एक मिनट भी तू यहाँ नहीं रह सकता। देश के किसी भी कोने में भाग के दिखा। हे अल सलीम, थ्री टाउन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल से लेकर अमेरिकन CIA सब तुझे इतनी बेरहम मौत मारेंगे कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। दूसरा जन्म लेने लायक नहीं रहेगा। हे अल सलीम, क्या कहा था तूने? मेरी आंखों में तुझे डर देखना है? नहीं देखना। कहा था ना तूने मेरी आंखों में डर देखना नहीं है? देखना, नहीं देखना। तुझे मेरी आंखों में डर नहीं दिखेगा। नहीं। दिखेगा तो सिर्फ गर्व। देश के तिरंगे को देखकर हमें जितना गर्व होता है, एक सच्चे देशभक्त की आंखों में तुझे वही गर्व दिखेगा। तुझे पता है मुझे किसका गर्व है? इस धरती पर पैदा होने का गर्व है। देश के लिए जान देने वाले वीरों पर मुझे गर्व है। सरहद पर तैनात जवानों पर मुझे गर्व है। मैं इस देश के लिए अकेला जंग पर जाने को तैयार हूँ। मैं देश के लिए मरने को तैयार हूँ। अगर मेरे देश की तरफ किसी दुश्मन ने आंख उठाकर देखा तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। हुसैन जैसे देश भक्तों को बचाने के लिए तुझ जैसे देश द्रोहियों को मार मार कर सरहद बाहर मैं जिंदा दफन भी कर सकता हूँ। जब जब तुझ जैसे दरिंदे इस धरती पर जुल्म की जड़ें फैलाएंगे, मुझ जैसे उनका सर्वनाश करेंगे। मेरे और एक फेवरेट स्टार जो साउथ के बहुत ही बड़े स्टार हैं, मिस्टर पवन कल्याण सर, तो उनकी भी मैं आवाज़ देता हूँ यहाँ पे हिंदी में। और उनकी फिल्में भी काफ़ी लिखी है, आवाज़ भी काफ़ी दी है। कुछ फिल्मों के नाम है जैसे पुलिस वाला गुंडा, जाबाज खिलाड़ी, गोपाला गोपाला, और काफ़ी सारी फिल्में डब की हैं। तो उनका जो अंदाज़ है, उनका जो स्टाइल है, उसको भी मैच करने में, उसको जब हम डब करते हैं तो वो मैं पूरी तरह से एक उनका एटीट्यूड अपने अंदर डाल देता हूँ उसको डब करते वक्त, ताकि वही फ्लेवर, वही चीज़ मैं ऊपर जो सुनने वाले ऑडियंस है, हिंदी में देखने वाली ऑडियंस है, उनके लिए मैं वो दे सकूँ। तो एक डायलॉग मैंने पुलिस वाला गुंडा जो मेरी फिल्म आई थी तो उसमें मैंने ही लिखा था वो डायलॉग, और जब मैं डब भी कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो जब विलन्स को उनकी एंट्री होती है और विलन्स से जब वो फाइट करते हैं तो वो पूछता है कि कौन है, तो कुछ डायलॉग कुछ इस प्रकार था कि जहाँ मेरी एंट्री होती है वहीं दुश्मनों को डिसेंट्री होती है। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स थे, तो काफ़ी वो हिट हुए हैं, काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। तो ऐसे वन लाइनर्स जो जो हैं वो मैं डालते रहता हूँ, कुछ कुछ यू नो उसको शेड देता हूँ, एक अलग से टेक्सचर देता हूँ ताकि वो फिल्म और थोड़ी शानदार बन जाए। तो पवन सर को, पवन गारू को डब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ही इज़ ऑल्सो यू नो जिनको मैं पसंद करता हूँ काफ़ी, और जिनको डब करते हो काफ़ी सुकून महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। यू नो यू फील लाइक यू आर ऑल्सो द सुपर स्टार यू नो। और उनके लिए जो टर्म बना हुआ है, जो साउथ की सारे हैदराबाद जाओ या तेलंगाना जाओ तो लोग उनको एक मास यू नो पावर स्टार करके पुकारते हैं। So he is really a power star.